हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का जय के साइंस क्लासेज में फिर से स्वागत है। और मैं आज फिर आपके सामने केमिस्ट्री का एक टॉपिक लेके आया हूँ, और वो टॉपिक है बेसिक रेडिकल्स एंड एसिडिक रेडिकल्स। ओके, बेसिक रेडिकल्स आर कैटायंस विच आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, एंड एसिडिक रेडिकल्स आर एनायंस विच आर नेगेटिवली चार्ज्ड, जिसको हम लोग धनमूलक और ऋणमूलक बोलते हैं। बेसिक रेडिकल्स धनमूलक और एसिडिक रेडिकल ऋणमूलक। जैसे धन आयन और ऋण आयन होता है, इस तरह बेसिक रेडिकल्स को बोलेंगे धन आयन और एसिडिक रेडिकल को ऋण आयन। यही दोनों बेसिक रेडिकल्स और एसिडिक रेडिकल दोनों मिलकर ही कोई कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक ना। तो ये बेसिक रेडिकल्स क्या होते हैं? बेसिक रेडिकल जैसे कोई भी एटम है, वो जितना इलेक्ट्रॉन किसी से गेन करता है, मतलब जितना इलेक्ट्रॉन किसी को देता है, वही चार्ज उसके ऊपर आ जाता है। तो ये बेसिक रेडिकल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, इसलिए उन पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। बट वही एसिडिक रेडिकल क्या करते हैं, दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, इसलिए उन पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज। ओके, तो इस तरह से हो गया बेसिक रेडिकल्स और एसिडिक रेडिकल। बेसिक रेडिकल मीन्स पॉजिटिव चार्ज एंड एसिडिक रेडिकल मीन्स नेगेटिव चार्ज। ओके, बेसिक चार्ज क्यों हो जाता है, क्योंकि वो बेसिक चार्ज मतलब वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, मतलब वो किसी को दान दे देता है, इसलिए वो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है उस पर। और वही एसिडिक रेडिकल में क्या करते हैं, वे इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, किसी से कर्जा ले लेते हैं उस पे, इसीलिए उन पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो आइए देखते हैं कुछ इनका कलेक्शन, एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल का। तो चलिए आते हैं बेसिक रेडिकल्स की ओर। सबसे पहले तो Na प्लस मीन्स सोडियम क्या करता है, जब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं तो आता है ये 2 8 1, मतलब इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितना हो जाता है, 1। इसलिए क्या करता है, ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर देता है, किसी को दे देता है, इसलिए ये क्या बना लेता है, प्लस चार्ज बना लेता है, Na प्लस। उस तरफ फिर है पोटासियम, 2 8 8 और 1, फिर इसका भी आ जाता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1, इसलिए बना लेता है ये के प्लस, मतलब किसी के साथ भी ये बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा तो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। उसके बाद क्या है, Mg2+ मीन्स Mg++, इसका भी होता है 2 8 10 और 2 12, लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन। उस तरह एल्यूमिनियम Al3+, इसका लास्ट में 3 होता है। कैल्शियम Ca++, इसका भी लास्ट में कितना होता है, 2 होता है। 2 8 10 10 8 18 18 और 2 20 होता है, 2 8 8 और 2। फिर आता है बेरियम, बेरियम का 2+, जिंक का भी 2+, क्रोमियम 3+, लेड Pb++, आयरन Fe++, फेरस बोलेंगे, जब Fe पे 2+ होगा तो उसको फेरस बोलेंगे, और Fe पर 3+ मीन्स Fe++++ तो इसको बोलेंगे फेरिक, और SN में जब 2+ होगा टिन में तो इसको बोलेंगे स्टेनस, वहीं जब SN में 3+ होगा तो उसको बोलेंगे स्टेनिक। उसके बाद आते हैं एसिड रेडिकल में, तो जितने भी रेडिकल्स जो नेगेटिव चार्ज होते हैं वे क्या कहलाते हैं, एसिडिक रेडिकल कहते हैं। ये क्यों कहलाते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, इलेक्ट्रॉन ये किसी से कर्जा लेकर क्या करते हैं, अपने आप में नेगेटिव चार्ज ले आते हैं। जैसे क्लोरीन 2 8 और 7 होता है, तो इसको 8 पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, इसलिए क्या कर लेता है, इसका Cl- हो जाता है, लास्ट में 7 होने के कारण क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको, इसलिए क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन इस पर आ जाता है माइनस चार्ज। उसके बाद है Br-, ब्रोमाइड, इसमें भी लास्ट में 7 होता है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन लेगा, मीन्स क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और फ्लोरीन सब एक ही ग्रुप का है, ठीक है, हेलोजन ग्रुप जिसको बोलते हैं। तो ये सब क्या हो गया, क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड और फ्लोराइड, सब तीनों का वैलेंसी 1 होता है, इसलिए तीनों में माइनस माइनस चार्ज है। उसके बाद है सल्फाइड, S-, S में 2- है। फिर है उसके बाद ऑक्साइड, ऑक्सीजन का होता है एटॉमिक नंबर 8, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो हो जाएगा 2 और 6, तो 6 में फिर वो 8 कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए इसमें आ जाएगा 2 नेगेटिव चार्ज। फिर है
फॉस्फोरस को चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब उसका कितना होता है, 2, 8, 10, 10, 5, 15, तो उसको 8 पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, इसलिए हो गया ये 3 माइनस। पी 3 माइनस मीन्स पी माइनस माइनस माइनस। उसके बाद होता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, और उसका हो जाएगा इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन 2 और 5, 7। तो इस तरह से 5 इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है इलेक्ट्रॉन, उसको भी 8 पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, इसलिए हो गया ये N3- मीन्स नाइट्राइड। उसके बाद है बाई सल्फेट्स HS-। उसके बाद है सल्फेट SO4-, SO3-, HSO3-, CO3-, फिर आपका होता है HCO3- बाई कार्बोनेट। ठीक है, उसके बाद फिर कुछ आते हैं और बेसिक रेडिकल्स में, और 4-5 हैं, उसके बाद फिर एसिडिक रेडिकल में है। ठीक है, तो यहाँ तक अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर से आप कमेंट करके बताइएगा कि और बताइए, या तो फिर समझ में आ गया बहुत अच्छा लगा, जैसा लगेगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। हाँ चलो तो बच्चों, बेसिक रेडिकल्स में नेक्स्ट आता है आपका सी यू प्लस प्लस क्यूप्लिक, मतलब सी यू में जब 2+ होगा, 2 इलेक्ट्रॉन जब ये देगा किसी को, तो ये बनाएगा सी यू प्लस प्लस मीन्स क्यूप्रिक, और Hg2+ मीन्स मर्क्यूरस, Hg++ मर्क्यूरिक, NH4+ अमोनियम, ये अमोनियम आयन है, और ये है सी यू प्लस प्लस, तब ये क्या कहलाता है, क्यूप्रस, क्यूप्रस ना, सी यू क्यूप्रस हो गया ना, तो ये सी यू टू क्यूप्रिक हो जाएगा, सी यू प्लस प्लस क्यूप्रस। उसके बाद है NO3-, इधर एसिडिक रेडिकल में नाइट्रेट, NO2- नाइट्रस, PO4- फॉस्फेट, PO3- ये फॉस्फाइट। इस तरह से जब ये दोनों एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल जब कंबाइन करता है तो आपका कंपाउंड बनता है, जैसे अब मान लीजिए ये सोडियम है और इधर से Cl-, Na+ और Cl- जब दोनों कंबाइन करेगा तो आपका बनेगा NaCl, सोडियम क्लोराइड। इस तरह से सारे कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, तो नेक्स्ट क्लास में हम डिटेल में आएंगे कंपाउंड के कॉम्बिनेशन में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, आज थोड़ा बहुत ही हड़बड़ी में है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक। सॉरी, सी यू प्लस प्लस मीन्स क्यूप्रिक में आपका 2 नहीं होगा, ये क्यूप्रस में हो जाएगा, नीचे आपका सी यू प्लस प्लस के बेस में आ जाएगा आपका 2। 9, 10 हो गया, ले सी यू 2+ ये क्यूप्रस होता है आपका। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में आते हैं डिटेल में।